इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें हमने आपको वाक्य के विषय में बताया, वाक्य, वाक्य की विशेषताएं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य विशेषताएं, वाक्य अंग, उद्देश्य, विधेय, रचना के आधार पर वाक्य भेद, सरल सरल, संयुक्त, मिश्र आदि। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य, अन्य प्रधान वाक्य और गौण आश्रित उपवाक्य की पहचान और गौण आश्रित उपवाक्य के भेद, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य आदि। इन सभी के विषय में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। और अन्य जैसे विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण उपवाक्य के विषय में अलग अलग, जैसे कालवाचक उपवाक्य, स्थानवाचक उपवाक्य, रीतिवाचक उपवाक्य, परिमाणवाचक उपवाक्य और परिणामवाचक या हेतु सूचक उपवाक्य, और इनका किस प्रकार से वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण होता है। और इसी ही प्रकार से हमने आगे आपको बताया कि रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, रचना की दृष्टि से साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, और इसी प्रकार से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना, रूपांतरण करना, और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण। इसके बाद हमने आपको बताया कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। अब हम थोड़ा आपको बता रहे हैं कि वाक्य रूपांतरण के कुछ और अन्य उदाहरणों के विषय में बता रहे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र किस प्रकार से। देखिए, इसमें जैसे सरल वाक्य, सरल वाक्य परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। संयुक्त, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए।
परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए मिश्र। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई, इसमें हमारे सामने वाक्य का ये रूपांतरण है। इसमें एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब इस प्रकार से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी प्रकार से जैसे सरल वाक्य परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, और यदि इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें, रूपांतरण करें इसका, तो परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा गए। मिश्र वाक्य में जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम आगरा गए। मिश्र को यदि हम संयुक्त में परिवर्तित करना चाहते हैं वही वाक्य बनेगा, और संयुक्त को सरल वाक्य में हम प्रयुक्त करना चाहते हैं, रूपांतरण करना चाहते हैं, सो वही बनेगा। और मिश्र को सरल वाक्य में परिवर्तित करना चाहते हैं सो यही वाक्य बनेगा। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्यों का रूपांतरण उदाहरण रूप में आपको बताते हैं, बताया जा रहा है। अब आगे देखिए, सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया। जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया, जैसे ही ये हमारा सरल, संयुक्त और मिश्र, ये भी उसी प्रकार से है जैसे सरल वाक्य सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया। इसी प्रकार से इससे संयुक्त सूरज उगा और अंधकार दूर हो गया। इसी से मिश्र वाक्य जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधेरा दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया। तो इसी प्रकार से ये हमारे अलग अलग वाक्य हुए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं,
इसमें देखिए अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा है। इसी प्रकार से मिश्र वाक्य, जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। तो ये हुआ सरल वाक्य, अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया। ये तो हुआ हमारा साधारण वाक्य। आगे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में हमारे अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। अब आगे इसको हम मिश्र वाक्य में देखते हैं कि जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इस तरह से एग्जाम्पल बनते हैं। तो हमने आपको ये बताया सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, ये तो हुआ हमारा सरल। अब संयुक्त वाक्य में यदि इसको परिवर्तित करें तो ये हुआ अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा था। इसी प्रकार से यदि इसको हम मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें तो जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये परिवर्तित हुआ। अब आगे देखते हैं, अब ये हुआ हमारा वह कानपुर जाकर काम करने लगा।
जब से वह कर्म गया तब से कर्म बने लगा, वह काम कानपुर जाकर काम करने लगा। इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया जाए तो वह कानपुर गया और काम करने लगा। इसी प्रकार से मिश्र वाक्य में रूपांतरण, जब से वह कानपुर गया तब से काम करने लगा। तो इसी प्रकार से ये हमारे वाक्य। अब आगे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा तो यहां पर मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, सरल वाक्य हुआ। सही तो मैं विद्यालय पहुंचा परंतु घंटी बज चुकी थी। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो इसी प्रकार से यहां पर ये सब हमारे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आगे देखते हैं उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा।
वह स्टेडियम गया तो क्रिकेट मैच देखा। जैसे ही जब वह स्टेडियम गया तब उसने क्रिकेट मैच देखा। ये हुआ हमारा सरल वाक्य, उसने स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखा। संयुक्त वाक्य, वह स्टेडियम गया और क्रिकेट मैच देखा। मिश्र वाक्य में इसका रूपांतरण, जब वह स्टेडियम गया तब उसने क्रिकेट मैच देखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये तो इसी प्रकार ये सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इसमें वह फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल गया। उसे फिल्म देखनी थी। उसे फिल्म देखनी थी इसलिए सिनेमा हॉल गया। जब उसका मन फिल्म देखने के लिए हुआ सिनेमा हॉल चला गया। तो ये हुआ सरल बात। वह फिल्म देखने
सिने महल गया, ये हमारा सरल वाक्य है। सरल वाक्य को संयुक्त में रूपांतरित करने के लिए उसे फिल्म देखनी थी, उसे फिल्म देखनी थी, इसलिए सिनेमा हॉल गया। अब इसको इसी सरल वाक्य को यदि मिश्र में परिवर्तित करना है, इसमें रूपांतर करना है, तो जब उसका मन फिल्म देखने के लिए हुआ तब वह जब उसका मन फिल्म देखने के लिए हुआ तब वह सिनेमा हॉल चला गया। तो इसी प्रकार से मिश्र से सरल, मिश्र से संयुक्त, मिश्र से सरल संयुक्त और सरल से संयुक्त मिश्र या संयुक्त से सरल मिश्र आदि में यदि रूपांतरण करना है तो इस प्रकार से इनका रूपांतरण किया जाता है। अब थोड़ा और देखते हैं, रश्मि फल खरीदने बाजार गई। रश्मि को फल लेना था इसलिए वह बाजार गई। जब रश्मि को फल लेना था तब वह बाजार गई। इसमें सरल संयुक्त और मिश्र, सरल वाक्य रश्मि फल खरीदने बाजार गई, दूसरा संयुक्त वाक्य रश्मि को फल लेना था इसलिए वह बाजार गई। अब इसको हम रूपांतरित करने के लिए एक मिश्र वाक्य बनाए, जब रश्मि को फल लेना था तब वह बाजार गई। तो इस तरह से ये हुआ हमारा उदाहरण के रूप में। अब रश्मि अब हम देखते हैं रात में आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे।
रात हुई और आकाश में तारों की संख्या ज्यों ही रात हुई त्यों ही आकाश में तारों के तो इसमें हम देखते हैं सरल वाक्य रात में आकाश में तारों के असंख्य दिखकर उठे संयुक्त रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य दिख जग उठे। इसी प्रकार से मिश्र ज्यों ही रात हुई त्यों ही आकाश में तारों के असंख्य भेद जल उठे। एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया, व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, हम आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा गया। तो इसमें सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकरा गया, सरल वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य व्यक्ति सड़क पार कर रहा था और वह बस से टकरा गया। मिश्र वाक्य जो व्यक्ति सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा गया। तो इसी प्रकार से यहां पर ये हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेदों के रूप में वाक्य रूपांतरण के कुछ भेद आपको बताए और
आज केवल इतना ही, इसके बाद आगे कल बताएंगे।